हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है गणेश चतुर्थी का 8वां दिन और मैं और लिपि आ गए एक मंडप पे। इधर से हमारा ब्लॉग में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों को भी दर्शन करा रहा हो गणपति बप्पा का। सब लोग हाथ जोड़ के बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। सब लोगों का मनोकामना पूर्ण हो, इस साल में जो भी तकलीफ हो सब दूर हो। तो गाइस, मैं हम लोग भगवान दर्शन करके आ गया बाहर। अभी जाना है थोड़ा आगे, उधर एक भंडारा का प्रसाद दे रहा है, तो हम लोग उधर लाइन लगा के भंडारा का प्रसाद लेने वाला हो। और ये देखिए बाहर का नज़रिया, इधर पूरा लाइट से सजा हुआ पूरा मार्केट है। और सामने हमारा जो हम लोग सैटरडे को मंदिर आते हैं ना, आगे वो मंदिर है, तो मंदिर में भी जाना है। तो चलिए तब तक के लिए लाइन में खड़ा होता हूँ प्रसाद लेने के लिए। तो ये आगे जा रहा है लिपि, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ। और इधर भंडारा दे रहा है, तो हम लोग उधर लाइन पे खड़ा हो जाऊँगा थोड़ा भंडारा का प्रसाद लेने के लिए। तो चलिए आगे जाते हैं धीरे धीरे। लिपि लाइन पे खड़ा हो गया भंडारा का प्रसाद लेने के लिए, मैं भी लिपि का पीछे खड़ा हूँ। तो चलिए देखते रहिए। प्रसाद नहीं छोड़ सकते हम लोग, प्रसाद तो खाना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारा नसीब में था। जब इधर से जा रहा था, इधर आने का सवाल ही नहीं था, तो आया तो मिल गया इधर लाइन पे, तो छोड़ने का थोड़ी सवाल है, प्रसाद लेना पड़ेगा। तो चलिए लाइन पे खड़ा हूँ अभी, सब प्रसाद लेके इधर ही खाना खा रहे सब, हम लोग भी जा रहे हो। हाँ, तुम्हारे भाग्य तो भालू पे लाटू। अरे लेफ्ट हैंड से क्यों लगा रहे हो आप, ऐसा हाथ क्यों लगा रहे हो ऐसा, लेफ्ट हैंड लगा दिया सब लोग ले रहे हैं। ये नहीं है कुछ भी। हाँ वही ना, कुछ भी नहीं है ऐसा, इतना लोग खा रहे और लेफ्ट हैंड से उठा उठा रहा है। चलो लोग को सिखाना पड़ेगा सब चीज़। प्रसाद पे गए थे हम लोग, प्रसाद तक पे नहीं, चलो जाओ। बूंदी लाडू मिला, बाकी सबको बूंदी गया था, हम लोग को लाडू मिल गए। गर्मा गर्मा प्रसाद, पूरा भंडारा चालू है इधर का। गाइस हम लोग आ गए हैं मंदिर में, अभी इधर थोड़ा पूजा देखूंगा, अभी आरती हो रहा है इधर भी। ये गणपति बाबा दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। और आधा अंदर आरती हो रहा है, ये देखिए आरती हो रहा है अंदर।
गाइस हम लोग और एक भगवान दर्शन के लिए आ गए। इधर तो जा रहा हूँ, इधर ये भाजी मार्केट है, भाजी मार्केट अंदर मंडप बनाया, उधर पूजा में जा रहा हूँ। और लिपि भी साथ में आगे आगे जा रहे हैं। तो गाइस अभी जा रहा हूँ और एक जगह ऐसे, इधर तो दो तीन चार था जो भी हम लोग देखा, भगवान को दर्शन किया। अभी जा रहा हूँ और एक जगह पे, तो उधर जाके दिखाता हूँ उधर का मंडप और भगवान कैसे हुआ। और आप लोग को रिक्वेस्ट है, हमारा आज का वीडियो अच्छा लगना प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग पहुँच गए अभी ये और एक नया मंडप पे। इधर देखिए भगवान बहुत सुंदर बनाया, कलरफुल है, अंदर डेकोरेशन भी थोड़ा अच्छा किया, अच्छा लग रहा है। और इधर जो बड़ा वाला गणपति है ना, वो बिठाता है, छोटा वाला को पूजा होता है। तो ये हर जगह हर एक बड़ो मंडप में ऐसे ही होता है। हमारा कलकत्ता में ऐसा जो बड़ा आपका देवी होता है उसको पूजा नहीं होता, छोटा देवी बनाया जाता है उसको पूजा पाठ होता है। अभी लिपि पूजा कर रहे है, प्रणाम कर रहे है। ये देखिए टीका लगा रहा है, अभी वो मेरे को भी देगा। दे दो दे दो। गणपति बप्पा मोरिया। हर जगह जाता हो तो मैं ही देता है ना, थोड़ा खा कर पूरा इधर का दर्शन हो गया। अभी जा रहा हूँ दूसरी जगह, आ जाओ गाड़ी इधर है। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस फाइनली इधर का भी तो दर्शन हो गया। अभी सोच रहा हूँ थोड़ा आगे जाके देखने के लिए और भगवान का मंडप है कि नहीं, तो अगर मिलेगा तो वो भी दर्शन कर लूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा आगे। तो मैं और लिपि जा रहा हूँ साथ में। और इधर तो आजू बाजू में मंडप नहीं दिख रहा है, तो सोच रहा हूँ रात हो गया अभी घर निकल जाऊँ। तो गाइस जैसे कि लिपि को ना हेयर मास्क हेयर जेल दोनों लेने का था, तो मेरे को बहुत दिन पहले ही बोला था, मैं बोला चलो ठीक है अभी ले लेते हैं।
तो वही लेने आ गए एक मेडिकल स्टोर पे, और लेके अभी जाना है जल्दी जल्दी मेरा सोसाइटी में, क्योंकि किशा का भी पढ़ाई का छुट्टी का टाइमिंग हो गया। तो चलिए मिलते हैं सोसाइटी में। तो गई जैसे कि हम लोग बाहर गया था गणपति दर्शन के लिए, हर एक मंडप में थोड़ा दो चार देखा गणपति बाप्पा, आप लोग को भी दिखाया। अभी आ गए हमारा सोसाइटी में, सोसाइटी में आके देखता हूँ कि हमारा सोसाइटी में किसी का गणपति विसर्जन के लिए लेके जा रहे, तो हम लोग भी थोड़ा नीचे रुक गया पापा को दर्शन करने के लिए। और जब भी किसी का घर पे गणपति पूजा होता है ना, तो ऐसे तो पूरा जितना दिन गणपति पापा घर पे रहते हैं तो बहुत बहुत आनंद होता है, लेकिन जाने का टाइम ना बहुत दुख होता है। ये साल में तो मैं बहुत रो दिया था, क्योंकि क्या मालूम मेरे को आँख से अपने आप पानी आ गया था। तो पापा का एक कृपा है शायद हमारा ऊपर बहुत दया है पापा का, इसलिए हमारा आँख से पानी आ गया था। अरे देखिए किशा आ गया, पढ़ाई करके आ गया मम्मा। क्या 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 पूरा पढ़ाई हो गया। टिट्टू को दिखा, टिट्टू का अभी पानी स्मेला। टिट्टू बहुत चारों साइड में हागू पोटू करता है, इसलिए अभी उसको इधर ही रख दिया। अभी उसको उठाना पड़ेगा, नहीं तो चिल्लाएगा घाव 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 घाव। आता रुको बाबा, एक मिनट रुको। चलो 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 चलो, अरे इतना ओखने हिशू करबो ना बोकबो आमी। चला आ जाओ। तो गाइस आज के लिए इतना तक के, कल आता हूँ वापस एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।